हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अभी अभी ताजा न्यूज के अनुसार एक चैट सामने आई है, दीपिका पातौल का जो ट्रक से संबंधित है, ट्रक का एक पास ग्रुप चल रहा है ना। ये तो बड़ा खुल्लम खुल्ला कार्यक्रम चल रहा है ओपनली। एक्चुअली इस ग्रुप में दीपिका पातौड़कर, करिश्मा और जया शाह। जया शाह इस ग्रुप में एडमिन भी है, साथ साथ ऑनर भी है। मतलब बेचो खरीदो खुल्लम खुल्ला। और खास बात यह है कि इस ग्रुप में कोई कोड वर्ड ही नहीं है। सीधी सी बात है, मुझे ये चाहिए, ये कितने का है, ये इसको देना है, ये इसको लेना है, ये इससे करना है, मतलब ये सारी बातें उसके उसके अंदर आती हैं। कुफन टैलेंट एजेंसी में सबसे बड़ी पोस्ट की एक हकदार जया शाह भी हैं। जया शाह टैलेंट मैनेजर थी इस ग्रुप में। दीपिका, करिश्मा, जया शाह एडमिट है। इस ग्रुप की 37 चैट सामने आई है, व्हाट्सएप चैट। ये जो चैट है इसमें ट्रक्स का सीधा नाम दिया जा रहा है। डेस्क का नाम तो आपको पता ही है, कोई CMD मांग रहा है, कोई हैश मांग रहा है, कोई देसी कोई विदेशी, मतलब सीधा नॉट शॉर्टकट, सीधा नेम। इस ग्रुप में बहुत से सुपरस्टार के नाम भी सामने आए हैं। और इस ग्रुप में कौन कौन है? कुवान, कुवान तो नाम सुना होगा ना, कुवान के हेड मंथना साहब, ध्रुव, जया नाम एक और लड़की का सामने आया है जो इसमें अलग से है, श्रद्धा कपूर। इनका नाम कैसे पीछे रह जाएगा, भी इस ग्रुप में थी। नोट करने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैटिंग या व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उस ये सबूत नहीं होता है। इसमें कोई पक्के सबूत होने चाहिए जिससे कि इनके ऊपर केस कर सके, लेकिन ये व्हाट्सएप चैटिंग किसी काम की नहीं है। बस हमें यह इंडिकेट करती है कि हाँ ये है ना। बस सुशांत केस की बात करें, जहां से ये स्टार्ट हुआ, जहां से ये चल रहा है, वैसे तो ये अपडेट है। एक कमरा, एक मौत, एक गर्लफ्रेंड, एक परिवार और बहुत से सवाल जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। एक सवाल, एक बैट, एक फंदा, एक फंदा जो हरे कलर का है। सुशांत सिंह राजपूत उस पे कैसे लटके? क्या मजबूरी थी जो लटके? क्या कंडीशन ऐसी आ गई थी जो लटके या लटकाया गया? ये सारी बातें अभी खुलासा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, खुलासा होगी। जी न्यूज के सूत्रों से पता लगा जी न्यूज को कि CBI बहुत जल्दी इस केस को क्लोज करने वाली है। उनके पास फाइनल डिसीजन में पहुंचने वाले हैं और वो जो डिसीजन होगा वो पूरे देश को हिला देगा, चौंका देगा। कि क्या ऐसा भी हो सकता है ना। इंतजार सिर्फ उसी खड़ी का है जिस दिन
ये रिपोर्ट सीबीआई का कहना, वो सारी बातें सामने आएंगी। वैसे जी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक, जी न्यूज ने कहा कि इस रिपोर्ट में जरूर कुछ चौंकाने वाली बातें हैं, जिनको सुनकर, जिनको देखकर लोग चौंक जाएंगे। सीबीआई के साथ एम्सियर डॉक्टर ने भी सुसान के पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी और विस्तार रिपोर्ट को देखा है, पढ़ा है, समझा है। इसी के हिसाब से कुछ चौंकाने वाली बातें आएंगी। ये शुरू कैसे हुआ, इसके बारे में बात करें थोड़ी सी डिटेल। सुशांत केस की स्टार्टिंग मुंबई पुलिस ने सुसाइड से शुरू की गई थी, लेकिन अभी मामला रिया तक नहीं पहुंचा था। लेकिन नेपोटिज्म की मुद्दा बहुत उठाया गया। बॉलीवुड के कई हस्तियों ने मुंबई पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए। सुशांत के परिवार वालों ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जो कि बिहार पुलिस के पास ये मामला पहुंचा। बिहार पुलिस के पास सीबीआई पे पहुंचा, सीबीआई के पास पहुंचा। 19 अगस्त को कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई को ये केस हैंडल किया गया, मतलब सीबीआई को दिया गया। एसआईटी टीम का गठन किया गया। सीबीआई की टीम अलग अलग 15 ऑफिसरों की एक टीम बनाई गई, जिसको तीन तीन अलग अलग भागों में बांट दिया गया। ये तीनों टीम जो अलग अलग पार्टों में बांटी गई थी, वो टीम अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। इस टीम में CFSL के तीन फिजिक्स और तीन केमिस्ट्री डिवीजन के साइंटिस्ट हैं। पहली टीम सुशांत केस से जुड़ी हुई वो सारी बातें, वो सारे दस्तावेज, जैसे केस डायरी, क्राइम सीन के फोटोग्राफ, आपसी रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान की कॉपी एकत्र करने में लग गई। दूसरी टीम ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत किससे जितने भी मिलने वाले थे, उन लोगों से पूछताछ की, और साथ में वो लोग जो सुशांत के घर में काम करने वाले थे, उन सबसे पूछताछ की। तीसरी टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर और प्रोफेशनल रंजीश के एंगल से जांच कर किया स्टार्ट किया। जब सीबीआई टीम मुंबई पहुंची, तो सबसे पहले मुंबई पुलिस स्टेशन उसी दिन, और उन लोगों से पूछताछ की, और केस से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे अपने हाथ में ले लिए। सीबीआई ने अभी तक क्या-क्या किया देखें जरा, और बहुत सी बातें हैं जो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से पॉइंट हैं जो पता है अभी तक क्या क्या किया है। सीबीआई जब इस केस में अंडर आई, तो आपको पता है मुंबई पुलिस से सबसे पहले बात की, उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए, कॉपी ली उनकी। शांत के कुछ, नीरज सिंह, केशव, सिद्धार्थ पटानी और दीपेश सावंत से पूछताछ की। नेक्स्ट रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की।
4 दिनों तक। नेक्स्ट, रिया के परिवार वालों से भी पूछताछ की, उनको बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। नेक्स्ट नेक्स्ट, सुशांत और रिया के अकाउंटेंट और सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी को बुलाया और पूछताछ की गई। 3 बार लगातार सुशांत के घर में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। नेक्स्ट, जांच को सीबीआई तक सीमित नहीं रखा गया, इसमें एनसीबी और ईडी दोनों आई। नेक्स्ट, सुशांत के केस में ड्रग्स का यूज ज्यादा सामने आया। अब इस मामले में सीबीआई जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी या देगी, है ना? इससे फाइनल हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था कि सुसाइड हुआ था, क्या हुआ था, ये तो पता चले। ओके,